Students, I am Yavarabas. I hope you all will be fine. 9th class computer का chapter 2 हमने start किया हुआ था, जिसका topic हम convergence पढ़ रहे थे. Convergence में हमने different numbers की, different number system की convergence पढ़ी थी, जिसमें last lecture में हमने decimal to hexadecimal and hexadecimal to decimal की convergence पढ़ी थी. उससे previous lecture में हम लोगों ने decimal to binary, binary to decimal पढ़ी थी. अब हम मैं हमारे chapter में total तीन number system थे. वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि चार होते हैं, लेकिन इसमें तीन थे. कौन कौन से आपको याद रखना चाहिए? बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. दो की कन्वर्जन हम पढ़ चुके हैं, आज हम एक और नई कन्वर्जन पढ़ेंगे. तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि अगर आपको कन्वर्जन में मेथड समझ आ जाता है तो नंबर्स क्वेश्चन कोई भी हो आप इजीली उसको कर सकते हैं. ये कन्वर्जन थोड़ी सी डिफरेंट है पिछली दो कन्वर्जन से. तो आपने कंसल्टेशन के साथ लेक्चर सुनते हैं तो आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी. तो लेट्स स्टार्ट. आज की जो कन्वर्जन है हमारी वो हमारी है बाइनरी से हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. इट्स मींस दैट बाइनरी नंबर से हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है और हेक्साडेसिमल से हमने दोबारा उसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी. ठीक है, तो उसी तरह एग्जांपल के तौर पर अपने से सपोज करता हूं मैं एक बाइनरी नंबर लेता हूं. लेट्स से मेरे पास एक बाइनरी नंबर है 010010. ये किसमें है? बाइनरी में. अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें? इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल. इट्स इन द प्रीवियस 60. अब ये नंबर हमारे पास बाइनरी में, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो अगर आप देखें हेक्साडेसिमल की बेस क्या होती है? 16. और 16 को अगर आप देखें तो 2 की पावर कितनी? 4. 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16. इट्स मींस दैट कि आपके पास जो भी बाइनरी नंबर होगा उसकी आपने 4 पेयर्स बना दी, यानी कि हर बिट के चार चार पेयर बनाने हैं और उन चार पेयर को अलहदा से कन्वर्ट करना है किसमें? हेक्साडेसिमल. और देन उनकी पोजीशन पे उनकी वैल्यू लिख देनी है. ये याद रखें चार. अब बात ऐसा होता है कि चार नहीं कंप्लीट हो रहे तो आपने उसकी जगह पे अपने से उसके लेफ्ट साइड पे क्या लगा देने? जीरो लगा देने. ठीक है, और राइट साइड से आपने पेयरिंग शुरू करनी है. लेट्स सी हम इसकी पेयरिंग, ये नंबर है हमारे पास, इसकी पेयरिंग हम शुरू करते हैं कि 1 2 3 4. ये जो है इसके चार नंबर बन गए. ठीक है, 2 की पावर 4 के लिहाज से हम कर रहे हैं क्योंकि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16. तो चार चार की आपने बिट की पेयरिंग इसमें लिखी आप लोगों, तो 1 2 3 4. ये इसके 4 यानी कि पेयर बन गए, यानी कि 4 बिट्स को मिला के चार पेयर हमारे कंप्लीट हुए. देखें 1 2 3 4, 4 बिट्स के यानी कि चार बिट्स को हमने एक ग्रुप में कर लिए. अब अगला अगर आप देखें तो 1 एंड 0, ये दो बन रहे, दो इसके नहीं बन रहे. मैंने जैसे आपको बताया कि इसके आप लोगों ने खुद से जीरो लगाते हैं, जितनी बिट्स कम होंगी चार बिट्स आपने कंप्लीट करनी है उसमें अपने आपने जीरो लगा देने. तो अगर इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें हमारे पास क्या बनेगा? 0 0 मेरे से लगा दिया और 0 1 ये इक्वल टू ये हो गया. अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास बिट आई ना, ये वाली 0 0 मेरे से लगा दी, ये हमारे पास कौन सी बिट आई? फर्स्ट. और ये हमारे पास कौन सी होगी? सेकंड. फर्स्ट पोजीशन पे और ये सेकंड पोजीशन. अब दूसरी बिट हमारे पास कौन सी है? वो हमारे पास 0 0 1 0. इनको कन्वर्ट करने का तरीका से आपको कन्वर्जन का तरीका तो आपको बड़ी आसानी से पता है कि हमारे पास क्या होगा? 0 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2. पोजीशन दे दें 0 1 2 3 और आपको सॉल्व करना आता है 8 × 3 8 × 0 0 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2. इसकी पोजीशन 0 1 2 एंड 3. तो ये भी आपको पता है 0 + 0 + 2 + 0 = 2. इस सीन के एंड हमारे पास इस ग्रुप का भी हमारे पास नंबर आ गया है. इसको अब फर्स्ट पोजीशन पे आपने अगर नंबर लिखी है देखें 0 1 0 0 1 0, फर्स्ट पोजीशन पे ये था तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? 1 बेस इक्वल 1. और अगली पोजीशन में हमारे पास 0 0 1 0 था, इसका आंसर हमारे पास क्या है? 2. तो इसको हम 16 के तौर पर लिख देंगे, बेस 16 = 12. 1 2 हमारे पास इसमें आ गया 16. अब एक और चीज आपने याद रखनी है कि 12 नंबर जो है वो हमारे पास इसमें हेक्साडेसिमल में 12 तो नहीं
B2। अब B2 बेसिस की 69 इसको किसमें कन्वर्ट करना है मार्केट नंबर में। तो अब इसमें भी यही काम है कि आपने ये काम करना है कि जो बाइनरी नंबर है उसको ज्यादा से लेके एक एक नंबर को यानी कि B को ज्यादा रखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे B को 4 बिट्स तक, 4 बिट्स तक कन्वर्ट करना, आंसर 4 बिट्स तक ही आएगा। अगर कोई कंप्लीट नहीं आता तो उसी मेथड से इसके साथ 0 लगा दें। 0 क्यों लगाते हैं, जैसे कि आपने 5 के नीचे 0 पाए ये आप लगा देंगे कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये है b हमारे पास इसके पर 11 के अकॉर्डिंग। अब 11 को अगर हम करते हैं, देखिए 11 2 5 का 10 1 के 2 2 का 4 1 के एंड 2 1 का 2 0 इट्स इन कैट की इसी को लगे 1 0 1 1 1 0 1 1। ये बाइनरी है। उसके बाद क्या है हमारे पास 2, तो 2 को अगर हम करते हैं तो 2 का तो आपको पता है 2 1 का 2 0 तो अब ये अगर इसके नीचे 2 0 लगा देंगे ये इसका बाइनरी नंबर बन गया। इस मीन कैट के अगर आप देखें B2 हमारे पास 16 था, पहले सबसे पहले D की वैल्यू हमारे पास है वो 1 0 1 1, उसके बाद 2 के लिए हमारे पास वैल्यू है 0 0 1 0। तो ये